दोनों हाथ आनंद के अंदर पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद, मंगल भावना अपने आप को भावित करते हुए सभी उच्चारित करें। शुद्ध बना लेते हैं, सकारात्मक बना लेते हैं, नकारात्मक कोई भी ऊर्जा हमारे आसपास नहीं रहती। ध्वनि प्रयोग के प्रथम पर उन्हें सकारात्मकता में बदल देते। तो तीन बार ओम की ध्वनि, लंबा गहरा श्वास भरे, ओ महाप्राण ध्वनि, चित्त को ज्ञान केंद्र चोटी के स्थान पर केंद्रित करें, वहां पर होने वाले प्रथम पनों का अनुभव करें। नाक से भौंरे के गुंजन की तरह रेवद आवाज, तीन बार लंबा गहरा सांस लें।
अरहम, अ का उच्चारण करकर चित्त को नाभि पर केंद्रित करें, 2 सेकंड में अ का उच्चारण करें, रह का उच्चारण करकर चित्त को आनंद केंद्र, दोनों को बोसों के मध्य गड्ढे के स्थान पर केंद्रित करें, 4 सेकंड में रह का उच्चारण करें, म का उच्चारण करते वक्त चित्त को विशुद्धि केंद्र कंठ के मध्य भाग से होते हुए धीरे धीरे ज्ञान केंद्र तक ले जाएं, और 6 सेकंड में म का उच्चारण करें, पूरा श्वास भर लें। वार्मअप के लिए तैयार, दोनों हाथ जोड़ लें, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 रिलैक्स, लेफ्ट हैंड नीचे राइट हैंड ऊपर, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हाथ बदले, लेफ्ट ऊपर राइट नीचे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 रिलैक्स। सर्वाइकल के लिए लेफ्ट हाथ नीचे राइट ऊपर, इस ढंग से लॉक करें, राइट साइड से एक कोनी गर्दन के पीछे जाए, 2 सेंटर में पूरा खींचे दोनों तरफ से, 3 लेफ्ट से बाहर निकालें, 4 मूल स्थिति में आए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हाथ बदली करें, अब राइट हाथ नीचे लेफ्ट ऊपर, लेफ्ट साइड से 1 कोनी गर्दन के पीछे जाएं, 2 सेंटर में पूरा खींचें, 3 राइट से बाहर निकालें, 4 मूल स्थिति में, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 रिलैक्स, हाथों की अंगुलियों को आपस में लॉक करें, श्वास बढ़ते हुए आप पूरा तनाव दें, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड डाउन, कोणी गर्दन के पीछे जाए, लेफ्ट, अप,
दोनों हाथ गर्दन के पीछे, एंटी प्रेशर, गर्दन को पीछे धक्का दें, हाथों को आगे, सांस भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, राइट हैंड राइट गर्दन, एंटी प्रेशर, सांस भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, लेफ्ट हैंड लेफ्ट गर्दन, सांस भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, दोनों हाथ समन्वय मुद्रा, हाथों को गोलाकार घुमाएं, आगे से पीछे कोने मिलाते हुए, पूरा सांस भरें, छोड़ें, पुनः श्वास भरें, पीछे से आगे, छोड़ें, पूरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए कोहनी मिला, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, बड़े छोड़े, राइट हैंड की कोहनी को ऊपर की ओर टक्का दे, पूरा खींचा, छोड़े, लेफ्ट खींचे पूरा, छोड़े, कमर के लिए लेफ्ट राइट, कमर गर्दन पूरा घुमाए, रिलैक्स, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड, राइट हैंड अप, सांस भरे, सांस छोड़ते लेफ्ट साइड झुके, लेफ्ट कोहनी जमीन पर लगा, अप, लेफ्ट हैंड अप, राइट साइड झुके, राइट कोहनी जमीन पर लगा, अप, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड अप, सांस भरे, सांस छोड़ते लेफ्ट साइड झुके, राइट हैंड डाउन, लेफ्ट हैंड अप, सांस भरे, सांस छोड़ते राइट साइड झुके, राइट कोहनी जमीन पर, अप, डाउन, रिलैक्स, सोने वाले आसन, अपने स्थान पर लेट जाएं, दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ साथल के पास, हथेलियां जमीन से लगी, उत्तान पाद आसन, ये आसन जिसको नाभि संस्थान बाहर बाहर खिसक सकता हो, हर्निया की तकलीफ हो, उनके लिए रामबाण औषधि है, मोटापा कम करने के लिए, पाचन तंत्र को सक्रिय करने के लिए, टांगों में मजबूती प्रदान करने के लिए इस आसन को हमें सकारना चाहिए। कोई भी आसन अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार करें, जबरदस्ती न करें, अतिरिक्त तनाव न दें, श्वास बढ़ते हुए दोनों पैर 30 डिग्री, जहां पैर के अंगूठे दिखाई देने लग जाए उतना ऊपर उठाए, उससे ज्यादा ऊपर नहीं, श्वास बढ़ते हुए पंजे आगे की ओर खींचे हुए, दृष्टि पैर के अंगूठों पर, पेट में होने वाले तनाव का अनुभव, खिंचाव का अनुभव, स्लोली डाउन, रिलैक्स, रिलैक्स में दोनों पैरों के बीच फासला, हथेली करो आकाश की ओर, छत की,
पुनः थर्ड डिग्री श्वास बढ़ते हुए अ एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और दस स्लोली डाउन रिलैक्स। तैयार 60 डिग्री जहां घुटने दिखाई देने लग जाए उतना ऊपर उठाए, उससे ज्यादा ऊपर न उठाए। सांस बढ़ते हुए दोनों पैर एक साथ 60 डिग्री अप। पंजे आगे की ओर खींचे हुए दृष्टि पैर के घुटनों पर, घुटनों को सीधा रखने की कोशिश, पेट में होने वाले तनाव का अनुभव, टांगों में आने वाले खिंचाव का अनुभव। स्लोली डाउन रिलैक्स। पुनः 60 डिग्री श्वास बढ़ते हुए अब एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और दस स्लोली डाउन। पैरों को पटके नहीं, आराम से नीचे उतारे, रिलैक्स। अर्ध हलासन दोनों पैर एक साथ 90 डिग्री अब नॉर्मल डिग्री सामान्य श्वास प्रश्वास, दृष्टि पैर के अंगूठों पर, कुछ सेकंड रुकने का अभ्यास। स्लोली डाउन दो तीन लंबे गहरे श्वास लें। तैयार सर्वांगासन यासन, हाई बीपी हार्ट की प्रॉब्लम वाले न करें। श्वास बढ़ते हुए पहले आराम से देख लें, फिर करें। दोनों पैर एक साथ 90 डिग्री आप श्वास छोड़ दें और श्वास बढ़ते हुए दोनों हाथों का सहारा देते हुए कमर के बांध को पूरा ऊपर उठा लें। अब धीरे धीरे आगे बढ़े, छुट्टी कंठ से लगी हुई दृष्टि पैर के अंगूठों पर, धीरे धीरे पैरों को पीछे की ओर ले जाएं, दोनों हाथ जमीन पर और धीरे धीरे नीचे आए, रिलैक्स। इससे मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा की सप्लाई बराबर होगी, रक्त संचार सुचारू रूप से होगा और थायराइड की तकलीफ के लिए ये विशेष फायदेमंद है। पुनः एक बार करें, दोनों पैर मिला लें, दोनों तेजियां जमीन पर लगी हुई, श्वास भरते हुए दोनों पैर 90 डिग्री अप, श्वास छोड़े, श्वास भरते हुए दोनों हाथों का सहारा देते हुए अप, पूरा ऊपर उठाए, पैरों को सीधा करें, धीरे धीरे पैरों को पीछे की ओर ले जाए और धीरे धीरे डाउन, रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दे। जब भी ये आसन किया जाता है तो इसका एक विपरीत आसन अर्धमत्स्यासन, सोए सोए पद्मासन लगाए,
जो पद्मासन न लगा सके वो पालथी लगा दे और धीरे धीरे घुटनों को जमीन की ओर ले, दोनों हथेलियों का सहारा देते हुए गर्दन को ऊपर उठाए और दोनों हाथ घुटनों पर स्थापित कर दे। पुनः हथेलियों का सहारा देते हुए गर्दन को सीधा और धीरे धीरे दोनों पैर खोल ले, रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दे। कोहनियों के बल बैठे, पूरा वजन कोहनियों पर, इस ढंग से राइट पे 30 डिग्री पंजा आगे की ओर खींचा हुआ, एकदम सीधा स्थिर रख, पैर में होने वाले तनाव का अनुभव, स्लोली डाउन, लेफ्ट अप, स्लोली डाउन, दोनों पैर एक साथ 60 डिग्री अप, बैलेंस बनाकर रखें, घुटने सीधे रखें, योगिक साइकिल, साइकिलिंग करें, पूरा पैर खोले, पूरा फोल्ड करे, विपरीत उल्टा, और रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ो। धीरे धीरे लेफ्ट करवट बदलते हुए पेट के बल ले गया, भुजंग आसन की स्थिति, भुजंग का तात्पर्य होता है सर, तो नाक किस प्रकार से उतारता है, अन्न को उठाता है, ठीक उसी प्रकार से इसके नाम पर आसन किया हुआ है, सर्वासन कहें, भुजंगासन कहें, स्नेक पोस्चर कहें, दोनों हाथ कंधे के समानांतर एक दूरी पर, गला जमीन से स्पर्श, दोनों पैरों को नाखून जमीन से स्पर्श, पैरों को लिटा दें, स्वास्थ्य बढ़ते हुए केवल गर्दन अप, गर्दन को इसी स्थिति में रखते हुए मुंह से पुकारते हुए सांस छोड़े, सांस बढ़ते हुए सीने का पूरा भाग अब दृष्टि सामने, नॉर्मल ब्रीदिंग, मुंह से पुकारते हुए सांस छोड़ते हुए डाउन, पुनः एक बार सांस बढ़ते हुए सीने का पूरा भाग अब, किसी भी आसन में जल्दबाजी न करें, एकदम आराम के साथ दोनों हाथ थोड़े करीब लें, हथेलियों के बीच 4 से 6 इंच की दूरी, हथेलियों को सीने के नीचे स्थापित कर दें, सांस भरते हुए केवल गर्दन अब, गर्दन को इसी स्थिति में रखते हुए मुंह से सांस छोड़ें, सांस बढ़ते हुए नाभि तक का भाग अब, दृष्टि छत की ओर, दाश, पुनः एक बार सांस बढ़ते हुए नाभि तक का भाग अब, दोनों हाथ और करीब पसलियों से सटा, सांस बढ़ते हुए केवल गर्द अब, मुंह से पुकारते हुए सांस छोड़े,
श्वास भरते हुए सीने का पूरा भाग, साथ में दोनों हाथ भी ऊपर उठा लें, श्वास भरते हुए डाउन, रिलैक्स, दोनों पैरों के बीच एक से डेढ़ फुट का फासला, एड़ियां भीतर की ओर मुड़ी हुई, पंजे बाहर की ओर खुले हुए, गर्दन को एक तरफ लिटा दें, मंद श्वास, तैयार, नौकासन, दोनों हाथ आगे की ओर फैला दें, ललाट जमीन से स्पर्श, श्वास भरते हुए दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर एक साथ अप, डाउन, रिलैक्स, आराम की मुद्रा, तैयार, पुनः एक बार, श्वास भरते हुए दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर एक साथ अप, डाउन, रिलैक्स, शलभासन, दोनों हाथ साकर के पास, हथेलियों का रुख जमीन की ओर, ठुड्डी जमीन से लगी हुई, दृष्टि सामने है, सांस भरते हुए राइट पे सीधा सीधा ऊपर उठाएं अप, सांस छोड़ते हुए डाउन, लेफ्ट, सांस भरते हुए अप, डाउन, दोनों हथेलियां जंगा के नीचे, दोनों हथेलियों का सहारा देते हुए दोनों पैर एक साथ अप, डाउन, रिलैक्स, आराम की मुद्रा, मकरासन, स्थिति बना, दोनों कोहनियां, दोनों हथेली जंग से मिली हुई, हथेली के ऊपर ठुड्डी को लगा दे, दोनों कोहनियों में जितना अधिकतम फासला कर सके फासला, काम काम खींचा आ रहा है, तनाव आ रहा है, काम को लेफ्ट मुष्टि, उस पर राइट मुष्टि, उसके ऊपर ठुड्डी, दृष्टि सामने, बारी बारी के पे राइट से प्रारंभ करें, अप डाउन, 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 दोनों पैर एक साथ अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, कुछ क्षण रुके, धीरे धीरे बैठने की मुद्रा में आ जाए, दोनों हाथ भुजंगासन की स्थिति में, श्वास भरते हुए भुजंगासन अप, श्वास छोड़ते हुए शशांकासन, ललाट जमीन से स्पर्श, पूरे शरीर में तनाव दें, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स, वज्रासन, वज्रासन की मुद्रा में आप है ही, इस ढंग से वज्रासन की मुद्रा में आ जाएं,
दोनों हाथों को पीछे लॉक करें, योग मुद्रा, श्वास भरें, श्वास छोड़ते धीरे धीरे ललाट को जमीन से स्पर्श करा दें। नॉर्मल ब्रीदिंग, श्वास भरते हुए आ रिलैक्स। मंडूकासन, दोनों हाथों की मुष्टि पर नाभि के दोनों ओर लगाएं, इस ढंग से नाभि के दोनों ओर लगाएं, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुके, दृष्टि सामने रहे। रिलैक्स। लेफ्ट हथेली नाभि पर, राइट लेफ्ट के ऊपर श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पेट पर हल्का दबाव देते हुए आगे झुके, दृष्टि सामने रहे, डाउन सामने देखें। रिलैक्स। कूर्मासन, दोनों हाथों की मुष्टि पर दोनों कोहनियां नाभि के दोनों स्थापित करें, श्वास भरे, श्वास छोड़ते धीरे धीरे आगे झुके, दृष्टि सामने रहे। श्वास भरते हुए आ रिलैक्स। ब्रह्मचर्य आसन, दोनों पैरों को बाहर की तरफ निकालें और सीट का भाग जमीन से लगाएं, जिससे हो सके करें, नहीं हो सके ना करें, जबरदस्ती ना करें, पैरों में दर्द खिंचाव आने लगे तो तुरंत सीधे हो जाए और धीरे से सहारा लेते हुए वापस वज्रासन में आ जाए। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है, ताकि भोजन पचाने में यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी कोई भी आसन भोजन करने के बाद नहीं किए जाते, लेकिन वज्रासन ऐसा है जिससे हम भोजन पचाने में ये सहायक है, इसलिए इसको भोजन के बाद भी किया जा सकता है। उष्ट्रासन, दोनों पंजे खड़े कर, इस ढंग से दोनों हथेलियां एड़ियों पर। यह आसन हर्निया की तकलीफ वाले नहीं करें इस बात का विशेष ध्यान दें। दोनों पैरों की एड़ियों को दबाव देते हुए धीरे से पूरे शरीर के भाग को ऊपर उठा रहे, गर्दन को पीछे रखना है, थोड़ा सा आगे झुके, क्योंकि अगर आगे नहीं झुकेंगे तो चक्कर आने की संभावना बनती है। रिलैक्स। इसको अगर इस ढंग से नहीं कर सके तो वज्रासन में आ जाए। अब दोनों हथेलियां पंजों पर लगाएं और हथेलियों को दबाव देते हुए पंजों पर और पूरे शरीर के भाग को ऊपर उठा लें इस ढंग से, और गर्दन को पीछे लटका, थोड़ा सा आगे। अर्ध चंद्रासन, घुटनों के बल बैठे, पूरा वजन घुटनों पर, स्थिति बनाए, इस ढंग से आप यों लगा लें। अब धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए पीछे की ओर झुके,
श्वास छोड़ते हुए सीधा, पुनः श्वास भरते हुए पीछे क्यों डाउन, एक बार हो देखें आप, श्वास भरते हुए डाउन रिलैक्स, शशांक आसन, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ने, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते धीरे धीरे आगे खींचे, मलार जमीन से इस पार, कोहनिया जमीन से लगी हुई, नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास प्रश्वास, श्वास भरते हुए आ, श्वास छोड़ते हुए डाउन, इससे समता का विकास होगा, क्रोध का शमन होगा, आराम से बैठे, दोनों पैर एक बार खोल लें, पंजों को अप डाउन कर लें, गोला एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पैरों को आपस में टकरा, दोनों पैरों के बीच फासला, अंगूठा जमीन पर लगाने की कोशिश करें, दोनों पैर मिला दें, एक एक घुटना हटाओ, दोनों घुटने एक साथ, दोनों पैर एक साथ फोल्ड करें, एक साथ खोलें, रिलैक्स, मन द सांस, तैयार, दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ घुटनों पर, लेफ्ट राइट, बटरफ्लाई, पैरों को जितना नजदीक ले सके नजदीक ले, घुटनों को अप डाउन करें, प्रेक्षाचर्या के सूत्र है भाव क्रिया, सतत जागरूक रहना, जानते हुए करना, इसका मुख्य बिंदु है, और वर्तमान में जीना। तो मैंने एक कही कहानी सुनी, प्रसिद्ध संत हुआ है नागार्जुन, पैरों को हिलाते रहे और सुनते रहे, नागार्जुन एक प्रसिद्ध संत हुआ है और शहर की महारानी ने उनकी बहुत चर्चा सुनी थी, एक दिन आमंत्रित किया था नागार्जुन, आप पधारे हमारे महल में ठहरे, हमें उपकृत करें, हमें लाभान्वित करें, और उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया नागार्जुन। नागार्जुन आया, महल में ठहरा, दो दिन तीन दिन ठहरा, और तब जाने के वक्त हुआ तो उसने कहा, रानी अब मैं जाना चाहता हूं, तो रानी ने उसके लिए खप्पर बनाया, वह खप्पर सोने का था, हीरे जड़ित था, क्योंकि रानी चाहते थे कि सन्यासी भी जाने हम राजा लोग हैं, हमारी क्या हैसियत है, हम किस हिसाब से लोगों को दान देते हैं, तो वह खप्पर उसने नागार्जुन को दिया, नागार्जुन ने सर स्वीकार कर लिया, और तुरंत रानी चिटकी, उसने मनी मन सोचा, अगर असली में फकीर होता तो वह कहता कि मुझे सोने से क्या लेना था, सोना तो मिट्टी है, उसको क्या लेना देना, लेकिन अगर सही सन्यासी होता
तो ये कहता, इसने तो कुछ भी नहीं कहा। तो उसके मन में एक शंका आ गई, पर फकीर तो फकीर होते हैं, जान ली उसके मन की बात। कहा, रानी क्या सोचती? उसने कहा, नहीं एक शंका है तो मुझे मालूम है, बताओ, उजागर करो शंका। उसने कहा कि आपने यह नहीं कहा कि सोने के खप्पर से मुझे क्या लेना देना? कहा, हाँ मैं अभी भी कह रहा हूं मुझे सोने के खप्पर से क्या लेना देना, तुमने दिया मैंने लिया, इसमें दाल रोटी शाक भात सब आ जाएंगे ना? हाँ वो तो जरूर आएंगे, तो बस मुझे तो इसका यही प्रयोजन करना है, मुझे सोने का हो कि लकड़ी का हो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। तो वह खप्पर लेकर वहां से विदा हो गया। रास्ते में एक चोर की नजर उस पर पड़ गई, क्योंकि हीरे जड़ित था, चमचमा रहा था। उसने कहा, हमारी जिंदगी व्यर्थ चली गई, जिंदगी भर हम चोरी करते हैं, लेकिन कहीं सोने की चीज और वो भी हीरे जड़ित हमारे हाथ में कभी नहीं लगी, और ये नंग धड़ंग फकीर, इसको कोई भी सोने का उपहार देता है। और जिंदगी का ये नियम है, तो जो जिससे दूर भागता है वह उसका पीछा करता है। हम धन से दूर भागेंगे, धन हमारा पीछा करेगा, और अगर हम विपरीत चले गए तो वो हमारा पीछा करने लगेगा। क्योंकि हम अगर धन के पीछे भागेंगे तो धन हमसे दूर होता चला जाएगा, और अगर हम धन से भागेंगे तो धन हमारे पीछे चलता आएगा। इसलिए आप जिससे भागते हैं वो आपका पीछा करता है। तो वह फकीर लेकर निकल गया। रास्ते में जब उस चोर की नजर पड़ी तो पीछे हो गया फकीर। वहीं बाहर शमशान में एक छोटी सी कुटिया थी, खंडहर जैसी, उसमें ठहरा हुआ था। उसने रास्ते में से सुना कि किसी का पदचाप सुनाई दे रहा है, पीछे से किसी के चलने की आवाज आ रही, लेकिन मेरे पीछे तो आज तक कोई आया नहीं, हो सकता है इस खप्पर के पीछे कोई आ रहा हो, आता होगा। और वह चला गया कुटिया के अंदर, चोर बाहर छुप कर बैठ गया कि कब ये फकीर सोए और मैं वह चुरा लूं। लेकिन जैसे ही फकीर अंदर गया, नागार्जुन ने वह खप्पर बाहर फेंक दिया, और जैसे ही बाहर फेंका चोर एकदम हतप्रत रह गया। उसने कहा, यह क्या बात हो गई, हम लोग जिंदगी भर इसके पीछे भागते हैं और ये तो इस सोने को खप्पर को बाहर फेंक रहा है, इसका मतलब इससे भी ज्यादा कुछ इसके पास है जिससे इसका कोई महत्व इसके लिए नहीं रह गया। और उसने फकीर से इजाजत चाही कि मैं भीतर आना चाहता हूं। उसने कहा, इसीलिए तो मैंने खप्पर बाहर फेंका, अगर मैं सो गया होता मेरे सोने के बाद तुम भीतर आते तो मैं तुम्हें क्या कहता, मेरे जागते में ही भीतर आ जाओ, इसलिए मैं जागा हुआ हूं, तुम मेरे जागते में भीतर आ जाओ। भीतर आया, उसने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, आपसे क्या छुपाना, मैं चोर हूं। तो कोई बात नहीं, तो क्या काम करते हो? चोरी करता हूं, ये भी पूछने की बात है, तो एक काम करोगे? उसने कहा, देखो एक मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि मैं जहां कहीं भी संतों के पास जाता हूं तो पहले एक ही बात कहते हैं कि देखो चोरी मत करो, चोरी बहुत बुरी बात है। तो तुम अगर ये कहोगे कि चोरी मत करो तो वो काम मुझसे होगा नहीं, मेरा पुश्तैनी धंधा हो गया चोरी करना, इसलिए वह मुझसे संभव नहीं। उन्होंने कहा, पर मैंने ये कहा ही नहीं तुम चोरी करो, मैंने ये कहा मत करो। उसने कहा, अच्छा आप कहते हैं चोरी करो, तो मैं चोरी करूं? हाँ बिल्कुल करो, पर जो काम भी तुम करो उसको सावधानी पूर्वक करना, बिना सावधानी नहीं, जानते हुए करना, तो तुम वह काम करो। और वह राजा के महल में उसी रात गया, महल का दरवाजा खुला हुआ मिला, तिजोरी खुली मिली, और जैसे ही तिजोरी हाथ डालता है सजग होता है कि मैं चोर हूं, मैं चोरी कर रहा हूं, कोई भी चोर अपने आप को चोर कहलाना पसंद नहीं करता, अगर कोई उसे चोर को चोर कह दे तो वह हमारे पीछे पड़ जाए, इसलिए वह भी नहीं चाहता कि मैं चोरी करूं। लेकिन जैसे ही हाथ डालता है सजग होता है, हाथ बाहर निकल आता है। रात भर ये प्रयास चलती रही, चोरी नहीं कर पाया, दौड़ा दौड़ा फकीर के पास आया, आपने क्या कर दिया, मैं जैसे ही चोरी करने जाता हूं तो मेरे से चोरी नहीं हो पाती, क्योंकि वह काम सजगता से, बुराई का कोई भी काम सजगता से अगर किया जाए तो वह व्यक्ति नहीं कर पाता, क्योंकि वह जानता है कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होना चाहता। अच्छे काम तो सजगता से किए जा सकते हैं, लेकिन बुरे काम सजगता से नहीं किए जाते, इसीलिए बुरे काम हो पाते हैं।
गुरुदेव ने कहा आचार्य महाश्रवण जी ने, पुण्य काम मत करो भले तुम, किंतु करो मत पाप, पुण्य के फल को पालोगे। मत रटो राम का नाम भले तुम, किंतु करो शुभ काम, राम के बल को पालोगे। तुम अच्छे काम करें, सजगता से काम करें, क्योंकि अगर क्रोध भी हम कर रहे हैं और सजग हो गए तो आप क्रोध नहीं कर पाओगे। लेकिन क्योंकि उस जैसे ही हमारे पे क्रोध हावी होता है तो हमारे भीतर मदहोशी आ जाती है, बेहोशी का भाव आ जाते हैं और हम क्रोध कर बैठते हैं। अगर कोई व्यक्ति चार गाली देकर आपको क्रोध दिला दे तो आप समझना कि आप परवश है, स्वयं पर आपका कोई नियंत्रण नहीं, क्योंकि वह जब चाहे गाली देकर आप क्रोध में भर सकता है। इसलिए हम दूसरे के वश में नहीं रहे, हम स्वयं के वश में रहे, इसके लिए सजग होना जरूरी है। और प्रेक्षा ध्यान सजगता सिखाता है, वर्तमान में रहना सिखाता है। इसे वर्तमान में जिए और सजग रहें, करें प्राणायाम। कमर गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमल तास बंद, नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास प्रश्वास। एक बार श्वास को जान ले, पूरक रेचक कुंभक की क्रिया। पूरक का तात्पर्य पूरा श्वास भीतर भरना, रेचक का तात्पर्य पूरा श्वास रेचन कर देना, खाली कर देना, और कुछ नहीं बोलू वहां कुंभक करे अर्थात श्वास को रोके। हाई बीपी हार्ट की प्रॉब्लम वाले अथवा पेट का कोई अभी अभी ऑपरेशन किया हो तो सामान्य गति से करें, कुंभक न करें। इसका ध्यान दे, हाई बीपी हार्ट की प्रॉब्लम वाले कुंभक का अभ्यास न करें। पूरा रेचर पूरा रेचक का मतलब श्वास छोड़ना, पूरक का मतलब श्वास भरना, और कुछ नहीं बोलू वहां कुंभक करता श्वास को रोके। पूरा रेचक पूरा पूरा रेचर नॉर्मल ब्रीदिंग सामान्य श्वास प्रश्वास। चंद्र भेदी प्राणायाम, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की तर्जनी उंगली दोनों प्रकटों के बीच, राइट नॉस्ट्रल पर अंगूठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे, लेफ्ट से धीमे धीमे सांस भीतर भरे, राइट से छोड़े, लेफ्ट से ले, राइट से छोड़े, लेफ्ट से ले,
ड्राइव से छोड़े, लेफ्ट से ले, राइट 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 से छोड़े, लेफ्ट से ले, और राइट से छोड़े। दिल है दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, मंद श्वास, सूर्य बेदी प्राणायाम, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की तर्जनी उंगली दोनों ब्रुकुटों के बीच, राइट नोस्टर पर अंगूठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर, रीढ़ के डिसी दी रहे, राइट से धीमे धीमे सांस भीतर भरे, लेफ्ट से छोड़ी, राइट से ले, लेफ्ट से छोड़े, 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 राइट से ले, और लेफ्ट से छोड़े। दिल है दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, भस्त्रिका प्राणायाम, पूरा सांस भरे, पूरा सांस खाली करे, धारण करे, दिल है मंद श्वास, मस्तिष्क में होने वाले प्रकंपनों का अनुभव, झनझनाहट का अनुभव, भीतर खालीपन का भाव, निर्विचार
हाथों की मुद्रा इस ढंग से बना लें, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और झटके से श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएं, प्रारंभ करें। ये भस्त्रिका ही हो रहा है। मंद श्वास, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, भीतर क्या कुछ हो रहा है उसका अनुभव करें। विचार शून्य अवस्था, सूक्ष्म भस्त्रिका, तेजी से श्वास प्रश्वास, पेट का हलन चलन साथ साथ चले, पेट में खिंचाव आए तो तुरंत रुक जाए, टहल करें। रिलैक्स, मंद श्वास, अग्नि साथ, श्वास को पूरा बाहर निकालकर बाहर रोक लें और पेट को भीतर बाहर हिलाएं। IBP हार्ट की प्रॉब्लम वाले श्वास को ना रोक, पूरा श्वास बाहर, पेट को हिलाए। रिलैक्स, मंद श्वास, नाड़ी शोधन, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की तरफ उंगली दोनों ब्रुकुटियों के बीच, राइट नोस्टल पर अंगूठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। श्वास की गति इतनी मंद हो कि स्वयं के श्वास की आवाज भी स्वयं को न सुनाई पड़े। लेफ्ट से धीमे धीमे श्वास भीतर भरे। लेफ्ट से ही धीरे धीरे छोड़े। राइट से ले, राइट से ही छोड़े, लेफ्ट से ले, लेफ्ट से ही छोड़े, राइट से ले, राइट से ही छोड़े, लेफ्ट से ले, लेफ्ट से ही छोड़े, राइट से ले, राइट से ही छोड़े, लेफ्ट से ले, और लेफ्ट से ही छोड़े। रिलैक्स, दोनों हाथ ज्ञान, किसी भी सुखद आसन का चुनाव करें जिसमें सुख पूर्वक 15 मिनट बैठ सके। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन,
अथवा वज्रासन। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा। आंखें कोमल दास बंद। तीन बार महाप्राण चलें। लंबा गहरा श्वास लें। शांत। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त की निर्मलता के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। शरीर को स्थिर एवं शिथिल करें। प्रतिमा की भांति शरीर को निश्चल एवं अडोल बनाए। कोई हलनचल नहीं। शिथिलता का सुझाव। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायस्थ की मुद्रा बनी रहे। समग्रति श्वास प्रेक्षा।
बिना अंगुली के सहारा लिए आप कर सकें तो बिना अंगुली के सहारे से करें, और सहारा लेना पड़े तो अनुलोम विलोम की तरह राइट की तरह उंगली दोनों प्रकृतियों के बीच, राइट नॉस्टल पर अंगूठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। लेफ्ट से धीमे धीमे श्वास भीतर भरे, राइट से छोड़ें, राइट से लें। लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से लें। राइट से छोड़े, राइट से ले। लेफ्ट से छोड़े, लेफ्ट से ले। राइट से छोड़े, राइट से ले। लेफ्ट से छोड़े, लेफ्ट से ले। राइट से छोड़े, राइट से ले। लेफ्ट से छोड़े, इसी तरह करते रहे। पूरी सजगता, पूरी एकाग्रता, लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़े, राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़े, ऐसा ही करते रहे। श्वास शांत और मंद रहे। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के बीचों बीच केंद्रित करें। वहां पर पूर्णिमा के चंद्रमा के बाद चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग के प्रकाश को फैलाएं। और फिर ज्योति केंद्र से श्वेत रंग के प्रकाश को पूरी ललाट में फैला दें। अनुभव करें।
पूरी लला के भीतर चेतन के परमाणु भर गए। शांति व आनंद का अनुभव करें, शांति व आनंद का अनुभव करें। श्वेत रंग शांति का प्रतीक, क्रोध का शमन करता है श्वेत रंग। शांति व्याप्त करता है श्वेत रंग। आनंदानुभूति अनुभव कराता है श्वेत रंग। दो तीन लंबे गहरे श्वास ले। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ शरण सूत्र। अरहंते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहु शरणं प्रपद्यामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। ओम अर्थ दोनों हथेलियां आंख पर लगा दे। आंखों की हल्की मालिश करते हुए धीरे धीरे आंखों को जमीन की ओर खोले, फिर ऊपर की ओर। परमेष्ठी नमस्कार। ओम रें नमो अरहंतारणम। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ओम रें नमो सिद्धारणम। श्वास भरते हुए ऊपर मुद्रा बनाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ओम रें नमो आयरियाणम। श्वास भरते हुए दोनों हाथ साइड में, श्वास छोड़ते हुए बीच में। ओम रें नमो वज्रायाणम। श्वास भरते हुए अमेश दृष्टि से ऊपर देख रहे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ओम रें नमो लोहे सर्वसाहुणम। अंजलि मुद्रा, श्वास भरते हुए ऊपर छोटे अर्पण कर, दोनों हाथ जोड़े, अपने आप को भावित करें, सभी उच्चारित करें। मैं ज्ञानमय हूं, मैं ज्ञानमय हूं, मैं चैतन्यमय हूं, मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत ज्ञान का, अनंत ज्ञान का, अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है, सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही, उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। ओम अरहम 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 नमो। फ्रेश अपने भीतर हास्य को प्रस्फुटित कर ले। अपने मन को साफ करे, उससे बढ़कर स्नान नहीं, सब जीवों को अभय बनाए,
उससे बढ़कर दान नहीं। अपने को जो झट पहचाने उससे बढ़कर ज्ञान नहीं। निर्विषय मन को रख पाए उससे बढ़कर ध्यान नहीं। आज का दिन हम सबके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, आनंददायक हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम अर्हम। ओम योहो शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओषधय शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वदेवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। प्रणोदनि ओम। लंबा गहरा श्वास। ओम कृतज्ञोस्मि। हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम आपके आभारी हैं। आभारी है। आपका आभारी।